अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? ओ मोमोज मोमोज मोमोज। हर जगह मोमोज मोमोज हो रहा है, तो मोमोज और कैसे बनता है? तो हम लोग इतने इतने पैसे देकर मंगवा रहे हैं या खाने जा रहे हैं, लेकिन हर कोई ये परेशान है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह बनती है, ये तो बहुत मुश्किल होगी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर इंसान करना चाहे तो। और यही मोमोज हम घर में कितने कम पैसों में घर में कितने अच्छे से बना सकते हैं। ये गली से एक कार गई है, उसने इस कदम वाहियात किस्म का जो है ना उसने झुंझुना लगा दिए। तो मोमोज की हम बात कर रहे थे, तो मोमोज की मैं प्रोसीजर लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत आसान तरीके से अगर बनाना चाहे तो बंदा बन सकता है। और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, और इसके साथ जो मज़ेदार लाल चटनी बनती है वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी। तो चलें अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। तो अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को पहुँचे और आप लोग देख पाए। चलें इसके साथ ही हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 50 ग्राम यानी आधा किलो चिकन ले लिया है। हम बना रहे हैं चिकन मोमोज, वेजिटेबल मोमोज भी बनते हैं, चिकन मोमोज भी बनते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर चिकन खाते हैं, वेज की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन हम चाहें वेज के भी बनाएं, तो हमें बच्चों को अगर वेज खिलानी है तो हम वेज के भी बनाएंगे तो वो खाएंगे, क्योंकि वो बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें अगर हो तो वो सब कुछ खाते हैं। लेकिन मैं जो आज बनाने जा रही हूँ वो चिकन की बनाने जा रही हूँ। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हो, मैंने ये बोनलेस चिकन ली है जो सिर्फ चिकन है, हड्डी नहीं है। और मैं क्योंकि थोड़ी मोटी मोटी सी चिकन चाह रही थी तो मैंने ये बोटी ली है। मैं इसको कीमा बना के, मतलब छोटी छोटी बोटियाँ बना के, छोटी छोटी बोटियों से करके और आपसे मिलती हूँ और फिर बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। यहाँ पर मैंने जो है बना लिए हैं, ये छोटे छोटे पीस किए हैं मैंने, ये देखे, ठीक है। छोटे छोटे पीस से क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें हमने जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर हम डालेंगे बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज। हमें हर चीज़ ऐसे डालनी है कि हर चीज़ का जायका और फ्लेवर हमारे खाने में मुँह में खिल कर आए। यहाँ पर मैंने ये जो है हरी मिर्चें और अदरक लहसुन जो है कूट लिया है, क्योंकि आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काट कर नहीं डालती, इसलिए कि बच्चों के जब मुँह में आती है तो वो नहीं खाते, उन्हें तेज़ लगती है, तो मैं अदरक लहसुन के साथ इनको दरदरा सा कूट लिया है। ढेर सारा जाएगा इसमें धनिया, ढेर सारा जाएगा इसमें पुदीना, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा स्पाइसी मसाले नहीं जाते, क्योंकि इसमें असल मोमोज में जायका ही जो है वो हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, धनिया, पुदीना और इन चीज़ों का जाता है, फ्लेवर खिल कर आता है। और इसके अलावा इसमें जाएगा एक नींबू का रस हम करेंगे, मेरे पास नेचुरल था, मैं इससे कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक अपने जायके के हिसाब से डालें, ना ज़्यादा और कम ना कम हो। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची, जो टेस्ट होता है उसमें काली मिर्ची वगैरह डाला जाता है। मैं आपके सामने इस क्वांटिटी बता कर डाली हूँ, वरना मैं अंदाजे से डालती हूँ। 1 स्पून मैंने इधर ब्लैक पेपर डाल दिया है, और डाल देंगे इसमें हम, देखिए मसाले आपकी मर्ज़ी है, जो चिल जाए डालें, लेकिन ये मसाले जो है लाइट से होते हैं, लेकिन ये खाने में बड़ा टेस्ट देते हैं। लाल मिर्ची वगैरह तो हमेशा डालते हैं, और मेरे को मैंने ये धनिया दरदरा सा जो है मैंने भून कर पीस कर जार में रखा हुआ। यकीन करें इसको खानों में अगर आप एक अलग से चम्मच डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ। 1 स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। अजान हो रही है, ब्रेक लेते हैं, और जब तक मैं इनको मिक्स करती हूँ। अजान हो चुकी है, इसको मैंने जब तक मिक्स कर लिया, अब इसको जोड़ने के लिए, यानी कि हमें आप चाहे बटर डालें, घी डालें, मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी तेल, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से अंदर फील हो। तो थोड़ा सा तेल हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये शाइन देखें, इसमें शाइनी भी हो जाएगी और शाइन भी आएगी और इसकी बाइंडिंग
अच्छी होगी। तो ये हमने मोमोज की फिलिंग तैयार कर ली है। ये ज़्यादा स्पाइसी इसलिए नहीं होता कि इसके साथ जो सीक्रेट मैं चटनी बनाऊंगी, जो इसके साथ सीक्रेट चटनी खाई जाती है, वो तेज़ होती है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होती है। तो दोनों चीज़ अगर तेज़ हो तो किसी का भी जायका हमें समझ नहीं आता, इसलिए जो है वो उसकी चटनी जो है वो इतनी अच्छी और टेस्टी होती है कि उसके साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ये इसमें ज़्यादा स्पाइस इसीलिए नहीं जाते। ठीक है, अब इसको हम कवर करके रखेंगे और आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसको करते हैं हम कवर और हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, इसी साइज से हमको लेना है। और इसको हम सिर्फ नमक डालेंगे, हम इसको तेल या ऑयल या बटर या कुछ डाल के इसका मोइन नहीं बनाएंगे। नमक जो है 1 टीस्पून लिया है हसबे जायका। और इसको हमने जो भूनना है वो बिल्कुल चिल्ड वाटर में भूनना है। जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली थी ना, वो यही बताने वाली थी कि इसको जो है हमने चिल्ड वाटर में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, मैंने देखें ये पानी जो है डिप में काम रेडियो शुरू करने से पहले, बनाने से पहले मैंने इसके बोतल को जो है डीप में डालकर ठंडा कर लिया था। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको भूनना है। इसका एक सीक्रेट यही है कि इसको हमने तेल की बटर कुछ नहीं डालना, नॉर्मल नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमने ऐसे भून लेना है। और इसका जो असल जो मसला है वो ये है कि हमने डो जो है ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा पानी डाल के सॉफ्ट भूनना है, क्योंकि सॉफ्ट भूनने से हमें इसकी जो वो बना बेलनी है रोटी है वो जो है बहुत ही पतली बेलनी है, उसी से ये मोमोज जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे रखेंगे। थोड़े मसाले आ गए थे हम यहाँ पर जो है हमें इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे करके कवर करके रख देंगे। कवर आप किसी भी चीज़ से करें। हमने इस डो को इस तरह कोशा भूनकर फॉर्म कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कवर, क्योंकि ये सूखना नहीं चाहिए। अगर ये सूख जाएगा तो उसके बाद जो है रोटी हमारी फटने लगेगी। इसको कवर करके अब हम नेक्स्ट जो भी काम करना है, जब तक ये डो हमारा तैयार हो रहा है तो हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। अब इसकी जो चटनी थी वो हम बना रहे हैं। हम यहाँ पर 2 टमाटर डालेंगे बड़े बड़े पीस करके। हम इसको पकाएंगे नहीं अभी, तो कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए डालते हैं। आपके पास कश्मीरी पाउडर है वो डाल सकते हैं, लाल मिर्ची है वो डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों नहीं है, मैं कुछ हरी मिर्चें डालते हैं वो तो लाजमी डालते हैं इसमें, और मैं कुछ ये वाली लाल मिर्चें डाल रही हूँ जिसको मैंने वॉश कर ली थी। और इसके बाद ये लहसुन डालेंगे इसमें। ये सारी चीज़ें जो हम डायरेक्टली पीस लेंगे, उसकी वजह ये कि इन सबका फ्लेवर एक साथ मिल खिल कर जब आएगा तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। वो सीक्रेट है जो वो लोग चटनी में डालते हैं। सही है, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। अब हम आते हैं इसको ग्राइंड करके पीस के। ये देखें अब ये लाल चटनी इसकी तैयार हो गई है। अब इसका दूसरा प्रोसीजर हम जो करने जा रहे हैं उससे ये और खिल जाएगी। और मैंने नींबू का रस आप लोगों के सामने डालना भूल गई थी, तो ये मैंने एक पीस उस वक्त डाला था और अब मैं ये दूसरा दिखा रही हूँ आप लोगों को। नींबू का पीस, इस नींबू तो आपको पता है हर चीज़ में बहुत अच्छे से टेस्ट दे देता है। नींबू का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, या हजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक तीसरा सीक्रेट मैं आपको ये बताऊं कि वो इस चटनी को, वो प्लेन सी तीखी तीखी सी होती है, उसकी वजह है कि वो हमारे पास जो जाली होती है छन्नी वाली, उस छन्नी से छान कर ये जो बीज इसमें मिर्चों के वो नज़र आ रहे हैं ना,
वो इसको छान कर और फिर उसको फ्राई करेंगे चूल्हे पर, सही है। मैं नहीं करूँगी, आप अगर करना चाहो तो मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ कि आप जाली के अंदर रख के इसका पूरा पेस्ट का रस जो होता है वो निकाल के इसके बाद उसको चूल्हे पे पकाइएगा, तो वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली प्लेन चटनी बनेगी, लाल रंग की, टेस्टी, तीखी। मेरे को पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी और आप देखिएगा कि कैसी मज़े की बनती है ये। चले आते हैं, अब हम अपने चूल्हे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमने फ्राई पैन रख दिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और अब हम इस चटनी को जो है इसमें डाल देंगे। और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। देखिए मुझे ये बहुत पसंद है, ये जो इसके अंदर ये आता है ना, इसमें लहसुन का मैंने ये देखे थोड़े से लहसुन भी इसको साबुत रखे हुए, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है और ना मैंने इसको छाना है, लेकिन रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट ये है कि वो इसको छान कर इसका पूरा पेस्ट निकाल कर ये जो बीज वगैरह जो नज़र आ रहे हैं ये सब हटा कर और वो फिर इसको इसमें फ्राई पैन में इस तरह पकाती है। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो ये मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम डो की तरफ चलते हैं और डो को देखते हैं कि डो हमारा कितना तैयार हुआ है। अब हम डो देखते हैं, ये देखें डो भी हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है, फुला फुला सा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ निकालेंगे। तो ये देखें डो हमारा तैयार हो गया, इसको हम दोबारा ऐसे करेंगे परफेक्ट जैसा हमें चाहिए। और थोड़ा सा हम मैदा डाल के इसको सही कर लेंगे। इसको दो हिस्सों में हम कर लेंगे। अब यहाँ पर आप किसी तरह भी दो हिस्से करके बड़ी रोटी बना लें, ठीक है। छोटे छोटे हम बोल को लेकर बनाने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाती है हमारे लिए, तो वीडियो का मसला। अगर आप छोटी छोटी को भी पेड़े करके बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं जो है वो इस तरह बनाऊंगी, इस तरह करने से जो है ये सामने बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आ जाती है। और फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा पतला करना होता है, ठीक है, इस तरह। ये जो है ना बिल्कुल पतली करनी होती है, तो हम इसके ऊपर बाद में बेलन बेल लगाएंगे। इसी तरह मैं ये सारे निकाल रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये देखें दोबारा हमने रोटी बेल ली और इसको दोबारा से हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें कैसे राउंड में परफेक्ट निकल रही है, ठीक है ना। एक और कोशिश करते हैं, निकल गई और निकल गई। दोबारा हम इसको बेलेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस पूरा करके इसी तरह मैं ये सारे राउंड अप निकाल के फिर आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो हमने फिलिंग तैयार की थी ये भी रेडी हो गई है। ये देखें बिल्कुल इस तरह रेस देने से फिलिंग बहुत अच्छी पैडिंग बनती है। इसको रखते हैं हम साइड पे और यहाँ पर हमने ये भी सब तैयार कर लिए, सही है। अब हम करते हैं शुरू फिलिंग करना। और फिलिंग हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर हमने एक डो ले लिया, एक हमने डो ले लिया है और डो हमें ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। तो ये हमारी फिलिंग मैंने दिखा दी आपको, बिल्कुल ऐसी ही हमको चाहिए, तैयार हो गई है। और अब हम इसका डो बनाना शुरू करते हैं। इसके कई किस्म के डिज़ाइन होते हैं अलग अलग, जैसा आपको इजी लगे आप वो बनाएं। और फिलिंग हमको इतनी करनी है कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे जोड़ेंगे पहले और यहाँ से इसको बंद कर देंगे ऐसे, बिल्कुल
ये एक नॉर्मल है जो हर हर कोई बना सकता है आसानी से इस तरह। और यहाँ से पिरामिड को उठा के बिल्कुल इसकी किनारी जो है पतली सी कर देंगे, ताकि इसका जो अंदर हमने डो भरा हुआ है वो बिल्कुल भी बाहर फटकर ना आना पाए। इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इसको सील कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट बन गया। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा जो है तो ये हमारे तमाम अलग अलग डिज़ाइन के जो जो डिज़ाइन मैंने आपको बताए थे सारे मोमोज तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ, उसको किस तरह बनाना है वो दिखाते हैं। यहाँ पर मैं स्टीमर के पास आ गई हूँ। मेरे पास ये स्टीमर है, मैं लेकर आई थी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भरा, यानी नीचे बॉल में पतीले में नीचे पानी भरा है, और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म करने रख दिया था, ताकि जब तक हम ये प्रोसेस करें तो ये ज़रा हीटअप हो जाए। अब मैं इनके ऊपर तेल का ग्रीस कर दूंगी। आप चाहे बटर लगाएं, आप चाहे घी लगाएं, मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ इसमें। और हम इसमें एक एक मोमोज रखते जाएंगे। तो बहुत ही खाने में मज़े के टेस्टी बनते हैं, लेकिन ये मज़े के लगते ही हैं। इसका जो मेन जो चीज़ है वो चटनी है, वो बनानी है आप लोगों ने। हमारी कोशिश पूरी होगी कि हमारे सारे ये मोमोज इसमें आ जाए। कोशिश हमने कामयाब करनी है। और ये हमारे दो रह गए हैं, हम उनको भी लगाएंगे। यहाँ पर जो है हमने मोमोज सारे अंदर सेट कर दिए, स्टीम हो रहे हैं, और अब हम 15 मिनट के लिए इसको कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे सुपर टेस्टी मोमोज तैयार हो गए हैं। और इसको चेक करना हो तो आप इस तरह हाथ लगा कर चेक करेंगे, और अगर इसका ये डो चिपकता नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट रेडी हो गए। तो चलें अब हम इसको निकालेंगे ट्रे में, सर्व करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो ये सुपर टेस्टी मोमोज हमारे तैयार हो गए हैं, और इसके साथ ये स्पाइसी टमाटर की चटनी हमने बनाई है। दोनों की रेसिपी मैंने आपको दे दी है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइएगा कि मोमोज आपने बनाए या आपने बनाते हुए देखे या सीखे, या आपको समझ आए नहीं आए मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।